मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ पहुंचे हैं। सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और सपा पर जमकर निशाना साधा। यूपी में सड़कों का जाल बिछा रहा है बीजेपी ने आजमगढ़ को विकास के साथ जोड़ा, सपा ने आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बनाया। लेकिन आजमगढ़ का विकास अधूरा रह गया था, सपा को सबको धोखा देने का आदत है। जल्द आजमगढ़ में वायुसेना शुरू होगा। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आजमगढ़ को विकास के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। सड़कों का एक जाल बिछरा है, गोरखपुर को जोड़ने वाला मार्ग 4 लेन हो रहा है, जौनपुर से वाराणसी जाने वाला मार्ग 4 लेन हो रहा है, गाजीपुर को और लखनऊ को जोड़ने के लिए पहले से ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। और भाइयों बहनों, अभी तो हम लोग बलिया को जोड़ने के लिए भी एक बड़ी कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, वह भी आजमगढ़ और मऊ के बीच से होकर के बलिया को भी जोड़ने के बड़े कार्य को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यानी विकास बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता प्रयागराज में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 4 अभियुक्तों को केंदियारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तस्करों के पास से 4 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के ऊपर 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी कौंधियारी विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। स्कूल के रिजल्ट के बाद मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर दूसरे स्थान पर रही। 600 में से 585 नंबर हासिल कर संस्कृति ठाकुर ने अपने जिले का नाम रोशन किया है। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गुलाबबाड़ी की संस्कृति ठाकुर छात्र है। संस्कृति की इस सफलता से उनके परिवार वाले भी काफी खुश है। संस्कृति ठाकुर ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की। मुरादाबाद की बेटी ने यूपी बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। हमारे साथ मौजूद हैं संस्कृति ठाकुर, उनसे सीधी बातचीत कर लेते हैं। कितना परिश्रम करना पड़ा और किस तरीके का महसूस कर रही हैं आप? जी, कितना परिश्रम करना पड़ा और आप उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर आई हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं? सर, मेहनत तो बहुत करनी पड़ी थी, दिन रात लगभग एक करना पड़ा था एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? सर, इसका श्रेय मैं अपनी मम्मी पापा को देना चाहूँगी। कल आपसे ऑनलाइन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बात की थी, तो उन्होंने क्या कहा, आपको क्या आश्वासन दिया है किस तरह? उन्होंने मुझे बधाई दी थी और उनकी कोई चुनावी रैली है अभी रामपुर में, तो वो मुरादाबाद से होते हुए रामपुर जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि वो आज आए। कितने अंक प्राप्त किया था आपने हाई स्कूल में? कितना? मैंने 600 में से 585 अंक प्राप्त किए थे। कितनी परसेंटेज बनी? मेरी 97.50%। अब जिस तरीके से आपकी माता है, पिता है, तो कैसा सहयोग मिल रहा है परिवार से, किस तरीके का सहयोग मिल रहा है? परिवार से हमेशा से सहयोग मिलता रहा है, मेरी बड़ी बहन भी टॉपर रह चुकी हैं। देखिए, जिस तरीके से हमारे साथ बात कर रही थी मुरादाबाद की बेटी संस्कृति ठाकुर, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है और हाई स्कूल में 97.50% अंक प्राप्त किए हैं। अपने सहयोगी अजहर के साथ शाहरुख हुसैन, प्राइम टीवी मुरादाबाद।
गोंडा से है जहां जिला में डीजल और पेट्रोल का संकट गहराने लगा है। जीपों में तेल की आपूर्ति नहीं होने से जनपद में तमाम पेट्रोल पंप ड्राई चल रहे हैं। वहीं रिलायंस पंप पिछले 10 जून से ड्राई चल रहा है और उसके बाद अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर तेल नहीं मिल पा रहा है। भारत पेट्रोलियम कंपनियों के डीलर तेल लेने के लिए गोंडा डिपो का चक्कर काट रहे हैं। वहीं डीलरों का कहना है कि 3-4 दिन से चक्कर लगाने के बाद भी तेल नहीं मिल रहा है। मेरा नाम अनूप है, तेल रामायण बोला है नहीं। तो आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आगे देख रहे हम जाते हैं। अच्छा, कहाँ से आप आए हुए थे? हमें थे और विकास के। किस तरह की दिक्कत है, नहीं हो रही है आपको यहाँ पंप पे तेल नहीं मिला? तो दिक्कत हो रही है, अब कहीं लगा के देखना पड़ेगा हमको। 7-8 गाड़ी लोड नहीं हुई थी, रुक गई थी। तेल इसका मतलब कम आ रहा है? कम आ रहा है कि कम यहाँ से दे रहा है कि हम दिक्कत हो रही नहीं? क्या करे, लोड नहीं हो रहा है गाड़ी। अच्छा, पहले आराम से लोड हो जाता था, कितने दिन से ये दिक्कत हो रही है? दो चार दिन से हो रहा है दिक्कत। पंचर भी पास नहीं हो रहा है गाड़ी। वहाँ भी कभी तो पहले 11 बजे का टाइम, 11-12 बजे का टाइम पास हो जाता था। उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दरअसल एक ट्रक चालक को नींद आ गई और ट्रक तेज गति में होने के कारण एक्सप्रेसवे की दूसरी लेन में चला गया। अचानक दूसरी लेन में आने से एक गाड़ी की ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें गाड़ी सवार 6 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही हसनगंज पुलिस थे अधिकारी मौके पर पहुंचे, एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही परिजनों को घटना की सूचना दी गई। खबर देवरिया से है, जनपद के बघौचड़ा घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोतीपुर गांव में आपसी जमीनी विवाद को लेकर खूब लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। खबर अमेठी से है, जहां नहर के किनारे लापता युवक का शव मिला। शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जांच में बताया जा रहा है कि युवक मोहनगंज जनपद अमेठी का रहने वाला है और उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। राम तीरथ, कहाँ से आए हैं आप? ग्राम जनापुर। ये जो शव मिला है, कंकाल मिले हैं, ये किसका है? हमारे भाई का, लाल बहादुर का। लाल बहादुर का? हाँ जी। तो कैसे, क्या हुई जानकारी, कहाँ से, कब से गायब है ये? गायब हुए हैं सर, मुझे तो मालूम पड़ा है 12 तारीख को, ये पता लगता है 11 से ही गायब। अच्छा, घर से गायब हुए बाहर से कहीं? घर से लेकर गए हैं रात में, वहाँ से कब गायब किए क्योंकि मुझे तो 12 को पता चला। बहराइच में एक अनोखी वारदात को देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा, जहां दूल्हा और बाराती का बुलडोजर पर बैठकर दुल्हन को लेने के लिए पहुंचे। बुलडोजर पर चढ़ी इस अनोखी बारात को देखने वाले लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान लोगों ने बुलडोजर बाबा की जय हो के नारे भी किए। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।